हेलो दोस्तों, तो सबसे ज्यादा रोचक सवाल आज का ये है कि कितने लाखों रुपए आपने कमा लिए यूट्यूब की वो वीडियोस देखकर जो दावा करती हैं कि अब ये कर लिया तो एक घंटे में इतने लाखों आ जाएंगे, ये करें और हर रोज 5,000 रुपये बनाएं, ये करें और महीने में कमाए लाखों रुपए, एक बटन दबाते ही पैसा आता रहेगा, या किसी भी तरीके की टेक्निकल वीडियोस, कोई भी ऐसी आलतू फालतू की वीडियोस जिनसे मिनट में एक लिंक क्लिक करके, एक लिंक शेयर करके, या कोई भी छोटा सा बोर्ड लगा के या कुछ भी करके आपको लाखों रुपए महीने के घर में आ रहे हैं, जिससे आप रातों दिन रात में करोड़पति बन जाएंगे। तो ऐसी वीडियोस बहुत सारी हैं यूट्यूब पे दोस्तों। तो बस यही एक सवाल जो हर इंसान पूछता है कि आखिरकार इन वीडियोस को देख के किसको फायदा हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला और आज मैं इसी के बारे में आपसे बात करूंगा, इसी गंदे खेल के बारे में आपसे बात करूंगा जो लोगों को गुमराह कर रहा है और किसी का फायदा होने की बजाय वो घंटों अपना सिर्फ नुकसान कर रहे हैं। फायदा तो खैर बहुत दूर की बात है, अगर किसी का हो रहा होगा तो शायद ही हो रहा हो। दोस्तों, मैंने YouTube जब करना शुरू किया था तो शुरुआत में इस तरीके की वीडियोस नहीं होती थी, पर जब ये ट्रेंड चला, जब धीरे धीरे लोगों को पता चला YouTube के बारे में, अर्निंग कैपेसिटी के बारे में, तो लोगों ने YouTube पे डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस बनाना शुरू किया, लोगों का रुझान बढ़ा और आज ये स्थिति है कि हम सब जानते हैं कि YouTube एक बहुत अच्छा जरिया है पैसे कमाने का, जो हमारे व्यूज पे डिपेंड करता है, हमारे सब्सक्राइबर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि हम जानते हैं, एक तह लिमिट तक जब हमारे व्यूज या जो क्रॉस कर जाते हैं, जब आपका YouTube चैनल मोनेटाइज हो जाता है YouTube द्वारा, जब उन्हें लगता है कि वाकई में आपका चैनल पे जो कंटेंट है वो इस लायक है कि वो लोग उसे देख रहे हैं और उसके थ्रू एड्स दी जा सकती है, तो ही यूट्यूब आपको पैसे देना शुरू करता है, क्योंकि वो भी एड से कमाता है और उसमें से कुछ पोर्शन आपको देता है, जो हालांकि बहुत कम है, डॉलर्स में भी बहुत कम है जो आपको मिलता है, पर जो है रोजाना उसमें जब आपके व्यूज अच्छे होते हैं तो वो काफी अच्छी इनकम बन जाती है। अब ऐसी बहुत सी वीडियोस हैं इस पे जो आपको रातों रात अमीर बनाने का दावा करती हैं, यूट्यूब से अमीर बनने का दावा करती हैं, दावा करती हैं कि अगर आप ये काम कर लेंगे तो इतने लाखों कमाएंगे, और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स वगैरह वगैरह टॉपिक्स के साथ। और हम लोग एक YouTube स्टार बनने के लिए या YouTube पे आने के लिए या YouTube से पैसा कमाने के लिए उन वीडियोस को पागलों की तरह देखते रहते हैं, समझने की कोशिश करते रहते हैं वो टेक्निकल चीज जो वो हमें समझाना चाहते हैं, या हमें जिस बेवकूफ बना रहे हैं जिस तरीके से, या जिस भी तरीके के हमें वो टिप्स बताते हैं कि भाई आप ये चीज ऑर्डर कर दो तो फ्री में घर पे सामान आ जाएगा, और मतलब ऐसी चीजें जो सुनने में इतनी अच्छी लगती हैं कि ऐसा लगता है कि अब चलो ये वीडियो अगर हमने देख ली तो देखते ही बेटा आज ही हमारा तो जो है मीटर डाउन हो जाएगा और हमें पैसा आना शुरू हो जाएगा, कुछ महीनों में ही हम कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे। और हर महीनों भाई मम्मी पापा को भी कह दो, घर वालों को भी कह दो कि मुझे बाहर नौकरी के लिए जाने की जरूरत ही नहीं है, मुझे तो मेरे जो है गुरुजी ने, मेरे जो सिखाने वाले YouTube में जो मेरे वेल विशर्स हैं, दोस्त हैं, और जो मुझे डिफरेंट डिफरेंट चीजें इंटरनेट वर्ल्ड की सिखा रहे हैं, उन्होंने मेरा लाखों रुपए महीने का कोटा कर दिया है, मेरी EMI भी चली जाएगी, सब चली जाएगी। पर क्या वाकई में इतनी सारी वीडियोस देखने के बाद, इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें सीखने की कोशिश करने के बाद एक्चुअल में आपको वो मिला जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, या जो उस वीडियो का टाइटल था कि रोज कमाए 2,000 रुपए, रोज कमाए 10,000 रुपए, हर घंटे कमाए 1,00,000 रुपए, हर महीने कमाए 3,00,000 रुपए, या ये वीडियो करके मैं ये पहुंच इसके पास आ गई, ऑडी इसके पास आ गई, BMW, क्या इस तरीके का आपका कोई सपना पूरा हो पाया? दोस्तों, हम लोग पागलों की तरह उन वीडियोस को देखते हैं, उन शॉर्टकट मनी के तरीकों को देखते हैं, इस आस में कि भाई हम भी उस लीड में आ जाएंगे और हम हर महीने लाखों करोड़ों कमाने लगेंगे और कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे। दोस्तों, अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया ही अपना काम धंधा छोड़ के YouTube पे बैठ जाती।
जो लोग इस तरीके के टाइटल्स के साथ, इस तरीके के कैची कैप्शंस के साथ आपको वीडियोस बना के देते हैं और अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं, वो कुछ नहीं कर रहे सिवाय अपनी कमाई के। क्योंकि ये एक मार्केटिंग का जरिया है, एक बहुत ही कॉमन ट्रेट है मार्केटिंग का, कि कोई भी बंदा अगर आपको कोई भी चीज बेचना चाहता है तो वो आपको पहले आपके अंदर की कमी बताएगा। ये उसी तरह गंजे को कंघी बेचने वाली बात है। वो ये बताएगा आपकी जिंदगी में क्या खालीपन है, आपकी जिंदगी में क्या कमी है। और आज कोई भी इंसान है वो पैसे के लिए परेशान है, हर और अच्छे स्टेटस चाहता है, उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं, एस्पिरेशंस हैं, ख्वाहिशें हैं। तो ये सब चीजें कैसे पूरी होती है? मनी से ही पूरी होती हैं। सोशल ही हमें पॉपुलर होना है, अच्छा बॉयफ्रेंड या अच्छी गर्लफ्रेंड चाहिए, अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, तो वो कहाँ से आएगा? पैसे से आएगा। और आज हार्डवर्क कोई नहीं करना चाहता, कोई नहीं चाहता कि वो पूरे दिन काम करे, रात को घर में घुसे। वो लाइफ आज के हम यंगस्टर्स को नहीं पसंद। हम फिल्म स्टार्स जैसी लाइफ की कल्पना करते हैं, इजी मनी की कल्पना करते हैं। तो वही जो हमारी एक ड्रीम है, जो वीकनेस है, कि हमारी जो है उसी को टारगेट करके वीडियोस बनाई जाती हैं और उनमें कैप्शन लिखा जाता है कि 1 घंटे में इतना पैसा कमाओ, इतना पैसा बरसेगा कि संभाल नहीं पाओगे, और रोज ये इस साइट पर जाके ये कर लिया तो पैसा आने लगेगा अकाउंट में। तो इस तरीके की चीजें देख के हम ऑब्वियसली उन्होंने हमारी वीकनेस को टारगेट किया और हम भागे जाएंगे वो काम करने के लिए। पर ऐसी सैकड़ों वीडियोस देखते 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 हम उन लोगों के सब्सक्राइबर्स भी बढ़ा देते हैं, उनके लाइक्स भी बढ़ा देते हैं, उनके व्यूज भी बढ़ा देते हैं। और जो सपना वो हमें दिखा रहे हैं, वो सपना वो हमारे वजह से ही देखते हैं। वो तो हमें सपना दिखा रहे हैं कि हम ये सब करेंगे तो इतने अमीर हो जाएंगे। वो उनका सपना इम्प्लीमेंट हो जाता है क्योंकि वो इम्प्लीमेंट हम करके दे रहे हैं उन्हें, उन वीडियोज को बार बार देखकर। और आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, इसमें सबसे बड़े लूजर हम हैं, वो नहीं है। क्योंकि सही मायने में दोस्तों, वो काम ही नहीं कर रहे जिस काम को करने के लिए वो आपको बोल रहे हैं। अगर आपको YouTube पे पैसा कमाना है या आपको किसी भी फील्ड में पैसा कमाना है, तो आपको वो देना होगा कंज्यूमर को, जनता को, जो वो क्रेव करते, जो उनके पास नहीं है, कुछ ऐसी चीज जो एकदम यूनिक है। कहते हैं ना, कई लोग, अब आप म्यूजिक वीडियोस को ही ले लीजिए, कोई भी नया गाना आता है उस जो इंटरनेट पे, तो वो एज ऑफिशियली रिलीज होने से पहले उसकी जो है क्या कहते हैं सॉन्ग जो है यूट्यूब पे आज के टाइम में ट्रेंड है, रिलीज हो जाता है। और उस नए गाने को सुनने के लिए कोई प्रमोशन नहीं होती, कोई एड नहीं होती, कोई लोग आपसे नहीं कहते कि आप ये गाना सुनेंगे तो आपके अकाउंट में 2,000 रुपये आ जाएंगे, कोई नहीं कहता। हम खुद उस नई चीज को, यूनिक चीज को जानने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए, एंजॉय करने के लिए उस गाने पे क्लिक करते हैं। आपने देखा होगा ऐसे बहुत से सॉन्ग हैं जिनकी थंबनेल पे, यूट्यूब थंबनेल की जो पिक्चर होती है उस पे लिखा है कि जो है 30 मिलियन व्यूज हो चुके और 10 मिलियन व्यूज हो चुके। तो ये सब कैसे होते हैं? ये हालांकि ये भी ट्रेंड है कि व्यूज बढ़ाए भी जाते हैं, ये हम हर कोई जानता है यूट्यूब पे, पर मैक्सिमम लोग खाली उस जिज्ञासा में, उस क्रेविंग में, उस नई चीज को देखने के लिए जाते हैं, या वो देखने के लिए जाते हैं जो उनके पास नहीं है या जो वो जानना चाहते हैं। जो भी लोग ये आपको ये बातें बताते हैं कि आप ये कर लो, 5 मिनट के लिए इस साइट पे बैठ जाओ, आपको इतने लाखों आ जाएंगे, या आप इस तरीके से वो अकाउंट बना के कर लो, इतने आ जाएंगे, वो लोग भी एक यूनिक चीज आपके आगे पेश कर रहे हैं, एक यूनिक तरीका इजी मनी का। इसी वजह से आप पागलों की तरह उनके पीछे दीवाने हो जाते हो और उनके सारे जो वीडियोस देख डालते हो, सब्सक्राइब कर लेते हो, ये सोच के कि क्या पता कोई ना कोई एक वीडियो में जो बता रहा है प्रोसीजर हम करेंगे तो हम पता नहीं कितने पैसे कमा लेंगे। पर ऐसा नहीं होता। हम वो बार बार आपको एक चीज और कह देते हैं जिससे आपका सबर ना टूटे, कि दोस्तों इस सब प्रोसेस में टाइम लगता है, इतनी इजीली ये सब नहीं होगा, आप धीरे धीरे करेंगे हो जाएगा, टाइम लगता है। बट वो वही वाली बात है ना, कोई बाबा था, किसी बाबा ने कह दिया कि भाई जो है ये आप काम करोगे तो आपके घर में संतान हो जाएगी, ये हो जाएगा, पैसा आ जाएगा, साथ में 4 कंडीशन लगा दी, ये मत करना नहीं तो फिर उल्टा हो जाएगा। तो उसमें आपने चाहे सब कुछ सही किया है, एक बहम जब आपके मन में डल गया तो आप यही सोचते हो कि काम नहीं बना, जरूर हमसे गलती हुई होगी। दोस्तों अगर आपको YouTube पे वाकई में पैसा कमाना है
तो आप वो पेश कीजिए जो सबसे डिफरेंट है, सबसे यूनिक है, सबसे अलग चीज है जो किसी ने नहीं करी है, जिन लोगों ने वाकई में, आप ने एक नाम सुना होगा, एक आज हर कोई जानता है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है गाना, जो एक चाइनीज बंदे का, आई गेस चाइनीज है जापानीज है, गंगम स्टाइल करके, एंड देर वॉज कंप्लीट यूनिकनेस इन दैट। वो ऐसी तरीके की कॉमेडी वाला डांस आज तक किसी ने नहीं किया, और उस गाने की कोई प्रमोशन नहीं हुई इंडिया में, कोई लोग जो है स्पेशली कोई पोस्टर नहीं लगे, कोई फिल्म स्टारों ने उसको एंडोर्स नहीं करा, उसमें एक यूनिकनेस थी जिसने उसको फेमस कर दिया। ऐसी बहुत सी ट्यूटोरियल्स हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस बना के डालते हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको किसी और ने नहीं दी, डिटेल में इंफॉर्मेशन, और आप उन वीडियोस के पीछे पागल हो जाते हो, क्योंकि आपको वाकई में लगता है कि हाँ ये चीज हमें बेनिफिट कर रही है। जैसे कोई वेट लॉस की वीडियो हो गई, कोई ट्रेनिंग की वीडियो हो गई, कुछ वर्कआउट कराने का तरीका हो गया जिसको देख के आप एकदम इम्प्रेस हो रहे हो, जो आपको ट्रेनर जिम में नहीं दे रहा, या कोई जो है घर सजाने का तरीका हो गया, कोई कुकिंग की वीडियोस हो गई, डिफरेंट डिफरेंट डिशेस कोई आपको सिखा रहा है, तो इस तरीके की डिशेस आपने कहीं और नहीं देखी, तो इन चीजों में यूनिकनेस देख के आप जाओगे, व्यूज बढ़ेंगे। अगर आपको वाकई ऐसा करना है कि आप फेमस हो जाओ यूट्यूब पे, तो आप वो दो जो आप हो, वो करने की कोशिश मत करो जो आप नहीं हो। लोग क्या करते हैं, ये गलती मैंने भी की थी, लोग किसी ने रिव्यू करा किसी प्रोडक्ट का, चलो जी पूरी दुनिया पागल हो गई एक एक प्रोडक्ट लेके रिव्यू करने के लिए, और जो कंज्यूमर है बहुत स्मार्ट है, वो देखता है जिस पे व्यूज ज्यादा है ना, मैं वही वाले प्रोडक्ट का जो जो बंदा रिव्यू कर रहा है मैं उसी को देखूं, क्योंकि वही सेम प्रोडक्ट 50 लोग रिव्यू कर रहे हैं और वही सब चीजें बता रहे हैं, यहां तक कि ये अब यही टेक्निकल तरीके से या इंटरनेट के तरीके से, ये यूट्यूब पे से पैसा कमाने के तरीके की वीडियो पता नहीं कितनी हजारों लाखों होंगी, और सेम ही चीज बता रहे हैं, घुमा फिरा के बता रहे हैं, आधी से ज्यादा इधर उधर की बात करते हैं और बहुत थोड़ी सी बात काम से रिलेटेड करते हैं। तो इस तरीके की वीडियोस अगर आप बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो उसमें आप क्यों नहीं कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि आप वो चीज नहीं हो, दैट इज नॉट योर पर्सनैलिटी। आप अपने आप को पैसा कमाने के लिए अडॉप्ट मत करो किसी और चीज के लिए जो आप नहीं हो। अगर आपका इंटरेस्ट टेक्निकल चीज में नहीं है, तो अगर आप टेक्निकल वीडियोस बनाने की कोशिश करोगे कि मैं भी ऐसी वीडियोस बनाऊं, तो आपको वो सफलता नहीं मिलेगी। या फिर अगर आप सिंगर नहीं हो, या फिर आपको और आप सिंगिंग की वीडियोस बनाने की कोशिश करोगे, या कुकिंग आपकी अच्छी नहीं है उसकी करने की कोशिश करोगे, तो नहीं मिलेगी। आप वो प्रेजेंट करो जो आप हो। अगर आप एक आर्टिस्ट हो, तो आप अपना आर्ट वर्क प्रेजेंट करो, आर्ट पेंटिंग्स बनाना सिखाओ लोगों को। अगर आप कोई बेसिकली किसी टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड हो, कोई इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड हो, तो उसका आप ज्ञान दो। अगर आप कोई डॉक्टर हो, तो आप उस चीज की एडवाइसेस दो, डिफरेंट डिफरेंट बीमारियों की दो, कोई ऐसी चीज दो जिसमें आप पायोनीर हो और जो सबसे हटके हो, एक ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो किसी ने ना दी हो, जिसको ग्रास्प करके कंज्यूमर को लगे कि वाकई में उसने कुछ पाया है, तब आपके व्यूज चाहे भले ही धीरे धीरे बढ़े, बट जो आपकी एक मार्केट बढ़ेगी, जो आपका एक नाम बढ़ेगा, उसकी कोई था नहीं है दोस्तों। और एक बारी आपको वो किक मिल गया, तो स्काई इज द लिमिट। आप किसी भी उसको ही ले लो, अब ये आप जो क्या कहते हैं, किसी भी बंदे को ले लो जो आज लोग फेमस हो रहे हैं, वो अपने कुछ भी कुछ डिफरेंट ट्रेट को शो करके फेमस हो रहे हैं। अगर हर कोई बंदा एक जैसी चीज करेगा, तो डिफरेंट टैलेंट निकल के कैसे आएगा। मैंने बहुत टाइम बर्बाद किया अपना ये इस तरीके की वीडियोस देखने में, जिसमें इतने घंटे में इतना पैसा कमा लो, एंड मेरा एक्सपीरियंस बहुत बेकार रहा। आई डोंट नो कि अगर किसी ने वाकई में इन वीडियोस से कुछ फायदा पाया है, या लाखों रुपए करोड़ों रुपए वो कमाने लग गए हैं यूट्यूब पे या इंटरनेट की कुछ ट्रिक्स करके, पर जो है ज्यादातर जितने भी मैंने लोग देखे हैं, जितने भी लोगों से यूट्यूब पे बात की है, सबका यही जो है कंक्लूजन होता है कि भाई मिला कुछ नहीं, सिर्फ पूरा दिन वेस्ट हुआ, टाइम वेस्ट हुआ, और अल्टीमेटली हमारे पास गाड़ी आई नहीं आई, उस बंदे के पास जरूर आ गई जो मैं आइडिया बेच रहा था। तो दोस्तों जाग जाओ, अभी भी इस गंदे खेल में मत फंसो, इस ट्रैप में मत फंसो। ये वही वाली बात है,
दिखाया कुछ जा रहा है और बेचा कुछ जा रहा है। और सजग रहो, कोई भी अपना आपका टाइम बहुत प्रेशियस है, इसको जभी वेस्ट करो जब आपको वाकई में लगे। आप कोई भी नया चैनल भी ट्राई करते हो, उस बंदे की एक या दो वीडियोस से ही ये पता लग जाएगा कि आया उसकी वीडियो यूजफुल है कि नहीं। जो उसने अपनी फर्स्ट या सेकंड वीडियो में किसी भी वीडियो में कोई ट्रिक बताई है, आप वो करके देखो। अगर वो सक्सेसफुल नहीं है और आपको फायदा नहीं मिल रहा है, तो समझ जाइए कि ये इसी तरीके का कंटेंट बकवास बना बना के इंटरनेट की ट्रिक्स पे आप डालता रहेगा, अपने व्यूज बढ़ाता रहेगा, अपने लाइक्स बढ़ाता रहेगा, अपने सब्सक्राइब बढ़ाता रहेगा, कैची थंबनेल लगा के बड़े बड़े हिंदी अक्षरों में, इंग्लिश अक्षरों में लिख के, और आप पागल होते रहोगे, टाइम वेस्ट करते रहोगे। वो तो कहीं के कहीं पहुंच जाएगा, आप वहीं रह जाओगे। तो इससे बेटर है फोकस ऑन व्हाट यू आर बेस्ट इन। कोई ऐसी चीज पर फोकस करो जिसमें आप आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हो। कई लोग आपने देखा होगा कि जो है कुछ भी है उनके पास, अगर थोड़ा भी है जो वो दिखा रहे हैं या शो कर रहे हैं या किसी भी चीज की वीडियो बना रहे हैं, वो इस चीज की परवाह भी नहीं करते कि क्या उनका बैकग्राउंड है, क्या उनका बैकड्रॉप है, क्या उन्होंने बढ़िया कपड़े पहने हैं कि नहीं, क्या उन्होंने मेकअप किया है कि नहीं, क्या बढ़िया लाइटनिंग है कि नहीं। पर उनकी वीडियोस इतनी संजीदा होती हैं, इतनी परफेक्ट होती हैं, इतनी इंफॉर्मेटिव होती हैं कि आप उस चीज की परवाह ही नहीं करते। तो इसलिए स्टार्ट करो बाय इंट्रोड्यूसिंग यू एज यू, नॉट समवन एल्स। आप खुद देखोगे कि आपका जो मुकाम है वो भले ही थोड़ा धीरे बढ़ेगा, पर जिस लेवल पे बढ़ेगा आपको उसी टैलेंट के नाम पे जाना जाएगा। अगर आपको मेरी बात में थोड़ी भी सच्चाई लगी हो, थोड़ा भी अच्छी लगी हो, तो जरूर जो है इस पे अमल करके देखिए, ट्राई करके देखिए। इसी तरीके की और रोचक जानकारी के लिए मैं भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हर कोई करता, मैं भी कर रहा हूँ, क्योंकि आई ऑल्सो वॉन्ट टू ग्रो माई सेल्फ एंड आई वॉन्ट यू ऑल्सो टू ग्रो। Thank you, everyone.